हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान एडिट। तो भाई आज से लगभग 2-3 दिन पहले सोनी जशन ने एक ये वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पर, और भाई ये जो एडिटिंग थी ये थी फोटोशॉप में। तो फ्रेंड्स, यार सबके पास तो फोटोशॉप और लैपटॉप पीसी तो होता नहीं है जो सब लोग आसान से इसको एडिट कर सकें, लेकिन भाई आज की इस वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान कर दिया, और भाई इसी वीडियो को हम लोग आज मैंने कन्वर्ट कर दिया है पिक्सआर्ट और लाइटरूम की मदद से। मतलब ये जो एडिटिंग है हम लोग करने वाले हैं पिक्सआर्ट और लाइटरूम की मदद से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई इन भाई का ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो भाई उनका वीडियो भी आप देख सकते हैं। और भाई उनके वीडियो के लिंक में इनके बैकग्राउंड PNG आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो भाई वहाँ से उसको बाद में डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज़, यहाँ से इसका जो मेन बैकग्राउंड है वो ओपन हो चुका है हमारे पिक्सआर्ट ऐप में, एंड जाएंगे ऐड फोटो में। एंड भाई यहाँ से जो इसका मेन बैकग्राउंड है, सॉरी मेन जो मॉडल है वो हमको ऐड करना होगा। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। एंड भाई अभी आपको करना क्या होगा, इसके नीचे जो पैर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो आपको हिस्सा ठीक से रिमूव करना होगा, ठीक है? ऐसा लगे कि हाँ वाकई में बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो गाइज़ यहाँ से मैं इसको ठीक से रिमूव करता हूँ। तो फिर अगर आप ये चीज़ जितनी अच्छी करोगे तो फ़ोटो आपकी उतनी ही मतलब रियलिस्टिक लगेगी। तो यहाँ से इतना कुछ सही लग रहा है, एंड यहाँ से इसको सही से फिट कर देंगे और यहाँ से कर देंगे हम लोग फ़ोटो को डन, ठीक है? तो अभी हम लोग जाना होगा ऐड फोटो में, और जो इसकी हैंड स्टिक होगी, ठीक है, मतलब बल्ला या कुछ भी हो, हॉकी हॉकी है, कुछ भी क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इसको आपको सही से इसके हाथ में ऐड करना होगा, ठीक है? तो यहाँ से मैंने इसको कुछ इतना रखा, एंड यहाँ से आप इसको साइड से रिमूव करना होगा। साइज वगैरह आप देख लो, और यहाँ से भाई साइड से बिल्कुल सही से रिमूव कर लो, ठीक है? तो ये भी काम यहाँ से हो चुका है, एंड अब हम लोग कर देंगे फ़ोटो को डन। एंड भाई वापस से डन। तो फ्रेंड्स यहाँ से इतना काम हो चुका है, एंड भाई जाएंगे इफेक्ट्स में, और यहाँ से आपको इसमें एक इफेक्ट डालना होगा जो कि नियोन नाम से यहाँ पर आपको दिख जाएगा आर्टिस्टिक के अंदर। और यहाँ से हम लोग कर देंगे इसको डार्केन, यहाँ से डार्केन में रखेंगे। एंड भाई यहाँ से फेड वगैरह और कंट्रास्ट का आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और मैंने यहाँ से इसको फिट कर दिया, और आर्टिस्टिक के अंदर आपको एक और इफेक्ट मिलेगा बिल्कुल ऐसा ही, तो उसको भी आपको ठीक से ऐड कर देना है अपनी फ़ोटो में। और यहाँ से फेड वगैरह देख लो और कर दो फोटो को डन, ठीक है? तो ये भी चीज़ यहाँ से ऐड हो चुकी है। एंड भाई अब हम लोग फोटो को थोड़ा करेंगे कस्टमाइज कलर से। तो यहाँ जाएंगे एडजस्ट में, और यहाँ से आप मैं जो भी इसमें एडजस्टमेंट करता रहा आपको ध्यान से देखना है। एंड आपको जाना होगा डॉ टूल में, और भाई यहाँ जो मैं एडिटिंग करने वाला हूँ आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं डॉज एंड बर्न टाइप की कुछ एडिटिंग करने वाला हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स जो जो मैं यहाँ से करता जाऊँ आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ से देखना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, और यहाँ से बिल्कुल इसी प्रकार से इसको आपको वाइटनेस वाला पोर्शन आ चुका है इसमें, और यहाँ से बिल्कुल ठीक से आपको ब्लैक टाइप का भी एडिटिंग यहाँ से कर लेनी होगी। एंड यहाँ से जो इसका ब्लैक पोर्शन है वो मैं यहाँ से एडिट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और यहाँ से मैंने जहाँ जहाँ हमें ब्लैक ब्लैक चाहिए था तो वहाँ सिंपली मैंने टैप टैप करके यहाँ से एडिटिंग कर ली है, ठीक है? तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। और गाइस यहाँ से आप देख पा रहे हो कि मैंने इतनी लेयर ले ली। एंड भाई यहाँ एक लेंगे सादी लेयर, और यहाँ से आपको ग्रीन कलर चूज़ करना है, और जो इसकी पेड़ पत्तियाँ हैं वहाँ पर आपको सिंपली पेंट कर देना होगा, ठीक है? तो ये कुछ सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ से मैं इसका लाइट ग्रीन ले लूँगा, और अभी ये बिल्कुल सही लगेगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ से आपको जहाँ जहाँ ग्रीन का पोर्शन दिख रहा है सिंपली आपको वहाँ पेंट कर देना होगा, इससे हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी लगेगी और एक मतलब भौकाली सा लुक हमारी फ़ोटो में आएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर, ठीक है? तो आप यहाँ सारी लेयर्स का आफ्टर बिफोर देखते हो हमारे फ़ोटो में क्या फ़र्क पड़ चुका है, और फ़ोटो भाई काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी बन चुकी है, ठीक है? तो अभी आपको करना क्या होगा, आपको सारी लेयर मर्ज कर देनी होगी, और यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 लेयर बची हुई हैं, एंड यहाँ से इसको भी मर्ज कर दो, और भाई फ़ोटो को कर दो डन और आ जाओ बाहर, ठीक है? तो यहाँ से ये चीज़ हो चुकी है। एंड भाई अब जाइए आप इफेक्ट्स में, एंड अभी आपको करना क्या होगा, इसमें ऑयल पेंटिंग वाला इफेक्ट डालना है। तो सिंपली आप ऑयल पेंट में क्लिक कर दो, और यहाँ से इसका अमाउंट कुछ रख के इसका फेडनेस देख लीजिए,
और यहाँ से भाई जो फ़ोटो में जो लुक आएगा काफ़ी अच्छा आएगा भाई, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कर दो फोटो को डन। तो फ्रेंड्स फोटो को और भी अच्छा बनाने के लिए हम लोग ले चलेंगे इसको लाइटरूम ऐप में सेव करने के बाद। तो पहले यहाँ से इसको सेव कर लो। और गाइज यहाँ से हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम ऐप में। एंड भाई यहाँ से जो मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट कर दी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और जो मैं इसका कलर एडजस्टमेंट करता जा रहा हूँ आपको सिंपली वही अपने वीडियो में सॉरी अपनी फ़ोटो में कर लेना होगा। और अगर आपको करना नहीं आता तो सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और अगर आप चाहते हो अपने मन से करना तो फ्रेंड्स अपनी फ़ोटो में आप अपने हिसाब से भी इसमें कलर एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कितनी तगड़ी हमारी फ़ोटो बन रही है आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ से नॉइस थोड़ा हम लोग बढ़ा देंगे ताकि हमारी फ़ोटो स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो गाइस हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी यहाँ से बन चुकी है, आप यहाँ पर इसका आफ्टर बिफोर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ फिर से किसी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।